इलाम ई मीडिया मोस्ट ट्रस्टेड चैनल मैं मैं फहीम इलाफ मीडिया में आपका स्वागत करता हूं आइए देखते हैं आज की खबरें मैं जीशान एसआईओ आई कर्नाटका का आ, स्टेट प्रेसिडेंट आज हम लोग बिदर में स्टूडेंट मैनिफेस्टो को रिलीज़ करने के लिए जमा हुए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि स्टूडेंट मैनिफेस्टो को रिलीज़ किया जाए और इसके अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं उसको लोगों तक पहुंचाया जाए तो इसके अंदर बुनियादी तौर पर हम लोग कुछ पॉइंट्स पे हम लोग लो बात कर रहे हैं आ, इस पर एक चीज़ ये है कि आ, जब कभी भी चुनाव आते हैं जब कभी भी एलेक्शंस आते हैं तो हमारे बीच जो है वो स्टूडेंट्स के तलबा के जो मसले हैं वो गुफ्तगु पे नहीं आते हैं वो गुफ्तु उस पर गुफ्तु नहीं होती है हमारे पास गुफ्तु जो है वो अलग अलग इशूज़ पर होती है जिस इशूज़ पर हमको बात करने के लिए कहा जाता है उकसाया जाता है मीडिया के ज़रिए हो सकता है और पॉलिटिकल पार, पार्टीज़ के ज़रिए हो सकता है और अलग अलग ग्रुप्स के ज़रिए हो सकता है तो हम ये चाह रहे हैं कि इस बार जो है हमने ये स्टूडेंट मैनिफेस्टो विद्यार्थी प्रणाली के बनाए हैं इस विद्यार्थी प्रणाली के ज़रिए हम ये बोल रहे हैं कि ये जो चुनाव है इसमें स्टूडेंट्स की डिमांड क्या होनी चाहिए इस कर्नाटक के तलबा क्या चाहते हैं और यहाँ के डिमांड्स मुद्दे क्या हैं क्यों जो है शिक्षा और तालीम जो है वो चुनाव का मुद्दा नहीं बनता है वो ये हम इसमें कुछ सवाल भी खड़े किए हैं और इसमें हमने डिमांड्स भी दिए हैं कि हमने ये कहा है कि ये हमारे कुछ डिमांड्स हैं आप इसको जो है पॉलिटिकल सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लो, लीडर्स को मिलकर हम ये दे रहे हैं यानी यहाँ तक कि एम एल एस्परेंट्स भी जो हैं उनको भी हम मिल दे रहे हैं कि आपका जो लोकल मैनीफेस्टो बनता है उसमें ये चीज़ों शामिल कीजिए इसमें एक चीज़ बुनियादी तौर पर यह है कि इस यहाँ के जो निचले तबक़ात का जो एजुकेशन है वो सरकारी स्कूलों में होता है सरकारी स्कूल को इसीलिए बनाया गया है कि यहाँ के लोगों को सबको शिक्षा समान शिक्षा दी जाए अगर हम कर्नाटक के सूरत हाल देखते हैं सरकारी स्कूलों की बहुत खस्ता हालत में वो पाए जाते हैं आज सबसे ज़्यादा जो है एक लाख इकतालीस हज़ार यानी वन लाख फोर्टी वन थाउजेंड टीचर्स की वैकेंसीज आज सरकारी स्कूल्स में पाई जाती है अगर हम उस तरीके से देखते हैं तो सरकार की तरफ से जो बजट आना चाहिए वो बजट जो है वो सरकारी स्कूलों को वहाँ की तालीम की बढ़ोतरी को नहीं मिलता है और इसी के साथ साथ यहाँ देखते हैं तो राइट टू एजुकेशन जो एक्ट जो जिसको इम्प्लीमेंट हो के बारह तेरह साल हो गए आज भी गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ तेईस परसेंट स्कूल्स में हम उस एक्ट के मुताबिक काम कर पाए हैं तो यहाँ क्यों ऐसे नहीं होता है क्यों ऐसी पॉलिसियाँ तो बन जाती हैं लेकिन इंप्लीमेंटेशन लेवल में जब आता है तो ये क्यों नहीं होता है हम सरकारी स्कूल्स की बढ़ोतरी की बात इसीलिए कर रहे हैं कि क्योंकि इस देश का निचला तबका जो है वो इन स्कूलों में पढ़ता है इस देश का गरीब तबका जो है वो इन स्कूलों में पढ़ता है जब हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं तो इनके एजुकेशन की बात करनी पड़ेगी ये तालीम ये मैनिफेस्टो में हमने ये कहा है कि जो भी सर जो भी आप आप जब विद्यार्थियों के पास आप जब इन ग़रीब लोगों के पास वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो आप अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ ऐड कीजिए कि हम आपके बच्चे को जो है मुफ्त में तालीम देंगे हम आपके बच्चे को जो है सही तालीम देंगे आज कितनी फ़ीस जो है आज तलब आज सरकारी स्कूल अच्छे नहीं होने की वजह से कितने लोगों को जो है फ़ीस को जो है कहाँ कहाँ से जुटा देना पड़ता है वो हम ये मसले की बुनियाद ये है कि जो जिस देश में जिस समाजवाद देश में जिसको जिस, को, जिस तालीम को आम करके सबको समान अच्छी तालीम क्वालिटी एजुकेशन देना चाहिए था आज वो लोग नहीं देने की वजह से जो है हज़ारों लाखों रुपए फीस भर के जो है बच्चों को हम हमारे बच्चों को अलग अलग स्कूल्स में पढ़ाना पड़ता है ये एक पॉइंट है इसके साथ साथ जो तो दूसरा है जो हायर एजुकेशन का है हायर एजुकेशन में हम ये अगर हम देख ले तो हमारी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी हालत क्या है तकरीबन हमने तो अलग अलग दो दो ज़िले तीन तीन ज़िले को एक एक यूनिवर्सिटी बना दी है लेकिन आज उनकी सूरत हाल क्या है अगर हम उसकी सूरत हाल को देखते हैं तो तकरीबन 50 परसेंट वैकेंसीज़ वहाँ भी पाए जाते हैं सरकार को ये पसंद नहीं है कि वो परमानेंट फैकल्टी को वहाँ अपॉइंट करे ताकि वो क्वालिटी एजुकेशन दे सके उन स्टूडेंट्स को वहाँ जो पढ़ते हैं आज स्कॉलरशिप की कटौती की बात की जाती है आज हम देख सकते हैं कि उन छोटे छोटे बच्चों की तकरीबन सात हज़ार बच्चों की जो है स्कॉलरशिप जो है वो रोक दी गई है क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम आर टी के तहत जो है एजुकेशन दे रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप की क्या ज़रूरत है अरे शर्म आनी चाहिए उन सरकार को जो लोग जो हज़ारों लाखों करोड़ रुपए इन मूर्तियां बनाने पे जो लोग खर्च करते हैं वो लोग तालीम पे क्यों नहीं खर्च कर पाते हैं वो उन एक सौ दस करोड़ रुपये जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आने चाहिए थे वो नहीं आए और ये लोग कह रहे हैं कि जो माइनॉरिटी मै स्टूडेंट्स की जो स्कॉलरशिप थी वो नहीं देंगे स्कॉलरशिप वो बच्चों का हक है हज़ार रुपए पंद्रह सौ रुपए बच्चों का हक छीन के कौन सी सरकार जो वो सत्ता में रह पाएगी ये तो ये हमको सवाल करना पड़ेगा कि जो बच्चे उन हजार रुपए पंद्रह सौ रुपए में अपने बैग लेते थे बुक्स लेते थे जो बची कुछ जो फीस थी वो फीस भरते थे आज उनको जो है वो बच वो उन बच्चों से उनकी स्कॉलरशिप उनका हक़ हाँ छीना गया है अब ये हम ये कह रहे हैं कि जो भी पार्टी पावर में आए अगर आप आप तलबा के वोट चाहते हैं आप स्टूडेंट्स के वोट चाहते हैं तो आप इन स्कॉलरशिप को अगनॉलेज कीजिए आज सर जो जो स्टेट uh, यूनिवर्सिटीज में जो uh, जो फेलोशिप मिलती थी जो पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स को 25,000 से काट कर उसको 8,000 हजार पे लाके खड़ा कर दिया गया है जो फंड्स आते थे रिसर्च के लिए उन सारे फंड्स को रोका गया है और बड़े थर्ट के साथ ये सरकार ही कहती है कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं इसके अंडर जो है हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज लाएंगे अरे लानत है उन फॉरेन यूनिवर्सिटीज पर जहां आप ये कहेंगे कि लाखों करोड़ों रुपए फीस देकर कौन से बच्चे वहां पढ़ पाएंगे अगेन शिक्षा जो है जिनके पास पैसा है उनका हक बन जाएगा लेकिन सबको जो है वो जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी वो शिक्षा नहीं मिलेगी अगर हम ये चाहते हैं कि सबको शिक्षा मिले जो यहाँ के हर तलबा को शिक्षा तालब इल्म जो है वो तालीम याफ्ता हो सबका सबका विकास हो तो यहां के स्टेट यूनिवर्सिटीज को स्ट्रेंथन करना होगा यहां के स्टेट यूनिवर्सिटीज की तालीमी जो कैफियत है उसको उसको जो है, उसको सुधारना होगा उसको फंड्स देने पड़ेंगे अरे आप यह कहते हैं कि जो एग्जाम फीस आ रही है जो यूनिवर्सिटी फीस आ रही है उसमें आप यूनिवर्सिटी रन कीजिए यूनिवर्सिटी कैसे उसमें रन हो पाएगी इसके लिए स्पेशल डोनेशन की स्पेशल आ, बजट की जरूरत पड़ेगी सरकार को देनी पड़ेगी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए इसके अलावा भी इसमें हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं सामाजिक इंसाफ की बात कर रहे हैं उसमें हम ये कह रहे हैं कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए किसी जाति के आधार पर धर्म के आधार पर उसकी निंदा ना हो उसके हकूक़ की पामाली ना हो सबको जो है समान शिक्षा इस यूनिवर्सिटीज़ में मिलनी चाहिए और कॉलेजेस में मिलनी चाहिए तभी जाके जो है वो सब सामाजिक इंसाफ को हम अश्योर कर पाएंगे इसके अलावा भी हम लोग इसके अंदर उद्योग की बात किए हैं इसके अंदर हम एम्प्लॉयमेंट की बात किए हैं उस एम्प्लॉयमेंट को हम ये कह रहे हैं कि आज भी थर्टी सेवन परसेंट गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो खाली हैं जिसकी वजह से लोगों को यहाँ वहाँ जाके काम करना पड़ रहा है जहाँ हम कहते हैं कि हिंदुस्तान एक जो है वो नौजवान मुल्क है दुनिया का हर पांचवा आदमी जो है वो नौजवान वो हिंदुस्तानी हर हर पांचवा नौजवान जो है वो हिंदुस्तानी हम ये कह रहे हैं तो जब यहाँ के नौजवानों की बात आती है तो ये ऐसे क्यों होता है कि यहाँ जो है इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा ये है अब बीदर जैसे शहर में कितने लोगों को जो है यहाँ से हैदराबाद जाकर पुणे जाकर बेंगलोर जाकर काम करना पड़ता है यहाँ का अगर हम देखते हैं तो इसमें हमने उन उन स्टूडेंट्स की भी बात की है जो जो जिनके जो लेबर क्लास है जो बेंगलोर जाके पुणे जाके जो काम करता है जो अपने बच्चों को लेके जाता है वहाँ तो उनके बच्चों की तालीम का क्या होगा वो वापस लेबर ही बनेंगे या फिर वो भी जो है इस इस समाज की मेन स्ट्रीम में मुख्य वाहिनी में आके काम करेंगे तो ये एक पूरा जो सेटअप है पूरा जो वो ये जो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम को जो स्ट्रेंथनिंग करेगा उसको लोग वोट दें उसकी बात करें ये चुनावी मुद्दा बने ना कि कोई धर्म की राजनीति कोई देश कोई कोई ऐसा एक नफरत भरा भारत मसला यह है कि कोई एक नफरत भरा भाषण दे देता है तो रिएक्शन उसी पे शुरू हो जाता है उसी पे बात, बात होनी शुरू होती है पूरी राजनीति उसी पे खेली जाती है अरे ये हमारे बुनियादी मसले हैं इसके ऊपर हम लोगों को बात करना है आपके मोहल्ले में कोई भी आपसे वोट मांगने आए तो आप उनसे पूछिए कि आपके हमारे एरिया के सरकारी स्कूल की हालत ऐसी क्यों है वहाँ क्यों एक ही शिक्षक है आज भी कर्नाटक में 2024 ऐसे स्कूल हैं जहाँ शिक्षक ही नहीं है गवर्नमेंट स्कूल उनके बच्चों का उन वहाँ के क्या होगा कल्याण कर्नाटक तो इस इस प्रदेश को सरकार ने नाम रख दिया है लेकिन यहाँ का कल्याण कब होगा कल्याण उस वक्त होगा जब आप खसूस तवज्जा देंगे इस पूरे इस पूरे एरिया पर कल्याण तब होगा तब आप यहाँ टीचर्स का रिक्रूटमेंट करेंगे तब आप यहाँ शिक्षा को अश्योर कराएंगे जब जाके जो है इस पूरे प्रदेश का जो है वो कल्याण हो सकता है तो ऐसा यही चाह रही है कि इस मैनिफेस्टो को हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को दे रहे हैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को जाकर हम लोग मिल रहे हैं उनके जो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन हैं उनको भी दे रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स के डिमांड हैं इन स्टूडेंट्स के डिमांड को आप फुलफिल कीजिए तो तब तब जाके स्टूडेंट्स आपको वोट देंगे इसके ज़रिए हम स्टूडेंट्स को भी ये एक स्टूडेंट्स को भी मुखातिब होते हम ये कह रहे हैं कि आप जो है इस बुनियाद पर अपनी स्कॉलरशिप को किस तरीके से काटा जा रहा है अपने जो है शिक्षा को किस तरीके से नहीं नहीं मिल रही है तो इस बुनियाद पर जो है आप अपने वोट को मांगे ना कि किसी भी तरीके से पैसों पे या फिर किसी भी जाति पे धर्म पे वोट ना दें बल्कि डेवलपमेंट पर और उसके बाद ये स्टूडेंट्स के जो डिमांड्स हैं उस पर वोट दें हमें कहना चाह रहे हैं शुक्रिया